आप सबों को हमारे उद्धार करता, मुक्तिदाता यीशु मसीह के अद्भुत नाम से जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है भजन संहिता 96 उसकी 2 आयत। लिखा है, यहोवा के लिए गीत गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। अजीजों, क्या कभी आपने टाइगर वुड्स के बारे में सुना है, जो कि बहुत महान एक गोल्फ खिलाड़ी है और उसने एक के बाद एक कई विजय उसने प्राप्त करी, किंतु उसकी एक उपलब्धि लोगों से छुपी रही और उस उपलब्धि को सामने लाने के लिए लगभग उस व्यक्ति को 7 वर्ष का समय लगा और एक के बाद एक उस व्यक्ति ने लगभग 142 प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और वह विजयी रहा और उसका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। अजीजों, आपको मुझे भी परमेश्वर से ऐसे ही प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि वो आपको मुझे अनुग्रह दे ताकि आप और मैं प्रतिदिन परमेश्वर के सन्मुख अपने जीवन को ढेलने वाले हो, अपने जीवन को और अधिक उस पर आश्रित रखने वाले हो। प्रभु का वचन आपसे मुझसे कहता है, हमें परमेश्वर के सन्मुख प्रतिदिन आने की आवश्यकता है। अजीजों, हमारे जीवन में बड़े बड़े आत्मिक अवस्था तो आते रहेंगे, परंतु मसीह के लिए हमारा प्रेम इससे प्रकट होता है कि हम प्रतिदिन उसकी आज्ञा का पालन करें, हम प्रतिदिन उससे प्यार करें, प्रतिदिन उसके वचनों को माने, प्रतिदिन उसकी गवाही को आप और मैं देने वाले हों, प्रतिदिन अपने परमेश्वर के किए हुए उद्धार को लोगों के सन्मुख आप और मैं प्रकट करने वाले हों। अजीजो, प्रभु हमें उसकी सेवकाई के लिए बुलाता है, उसके संग रहने के लिए बुलाता है। एक दिन, दो दिन के लिए नहीं, प्रतिदिन के लिए वो आपको मुझे बुलाता है। अजीजों, जब हम प्रभु की भक्ति में लगे रहेंगे, तब दिन प्रतिदिन उसके प्रेम व सामर्थ्य का हम वर्णन करते रहेंगे। समय के साथ ऐसा जीवन उद्धारकर्ता के लिए सुंदर साक्षी बनकर उभरता रहेगा। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के बाद यदि वास्तव में किसी ने मेरे जीवन के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव छोड़ा, मेरी प्रिय मां ने छोड़ा। अजीजों, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, उसने अधेड़ उम्र में यीशु मसीह को उद्धार करता जानकर स्वीकार किया, लेकिन एक चीज जो उसके जीवन से मैंने देखी और आज भी कई बार मैं सोचता हूं तो आश्चर्यचकित हो जाता हूं, और वो ये है, उसका अनुशासन, उसकी भक्ति परमेश्वर के प्रति अटूट थी। मैंने कभी भी अपनी मां को लंबे समय तक बिस्तर पर सोते हुए सुबह के समय नहीं देखा। मुझे अभी भी याद है, हम चारों भाई बहन हम सोते रहते थे। हम लोग उन दिनों में झोपड़ी में रहा करते थे, घर में लाइट नहीं थी, दिया जलते रहता था, और मुझे अभी भी याद है 4:30 बजे जब सारे लोग गहरी नींद में गए, तब एक दुर्बल सी एक महिला उठती है और वो गीत गाती है, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है, और दिए में अपनी बाइबिल को रखकर वो परमेश्वर के वचन को पढ़ती है। कब तक उसने ऐसा किया? अपनी आखिरी सांस तक। अजीजों, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, इसलिए परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता एक दिन, दो दिन का आभास नहीं है, ये आपके मेरे जीवन की एक लाइफस्टाइल हो जाए, ताकि इसके द्वारा आप और मैं अपने उद्धार कर्ता को प्रसन्न करने वाले हों। आइए हम प्रतिदिन उसके सन्मुख जाएं, उसकी सेवा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, जिसके द्वारा आपके मेरे जीवन के ऊपर वो अपनी आशीष को ढेलने वाला हो। प्रार्थना करें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें अनुग्रह दे, हम तेरे प्रति ईमानदार पाए जाएं, तेरे प्रति विश्वास योग्य पाए जाएं। प्रभु जी, तुझसे हम लिपटे रहने वाले हों। खुदावन, मैं प्रतिदिन तेरे अनुग्रह से तेरे वचन को बांटता, और मुझे अनुग्रह दे कि सिर्फ मैं प्रचार करने वाला ना हूं, लेकिन जीने वाला भी हूं। खुदा, तेरी उपस्थिति में हमें बने रहने के लिए सहायता कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपकी सहायता करे, ताकि प्रतिदिन आप परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया और उसकी कृपा में बढ़ते चले जाएं। आप सबों को जय मसीह की, आमीन।